IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जरिए से बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी और इसके चलते भारत की GDP पर कैपिटा भी 10% से ज्यादा गिरेगी। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में भारत की GDP पर कैपिटा बांग्लादेश से पीछे हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद भारत में कुछ लोग खुश हैं तो कुछ दुखी हैं। जो खुश हैं वो पॉलिटिकल एंगल के चलते खुश हैं और जो दुखी हैं वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेके दुखी हैं। जबकि इसमें ना खुश होने वाली बात है ना दुखी होने वाली बात है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन इकोनॉमी पे दी गई IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के बारे में सब कुछ, बांग्लादेश की पर कैपिटा कंपैरिजन से लेके इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर ग्रोथ रेट तक सब कुछ जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को खूब शेयर करिए। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट इस साल 10.3% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब गिरेगी या कम होगी। और इसके चलते भारत की GDP पर कैपिटा भी 10.5% गिरेगी। यहाँ पे IMF जिस GDP की बात कर रही है वो नॉमिनल GDP है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे IMF ने बोला है कि भारत की नॉमिनल GDP पर कैपिटा 10.5% गिरेगी और बांग्लादेश से पीछे चली जाएगी। और वहीं बांग्लादेश की नॉमिनल GDP पर कैपिटा इस साल 4% की ग्रोथ से बढ़ेगी और भारत से आगे निकल जाएगी। IMF ने बताया है कि 2020 के एंड में भारत की GDP पर कैपिटा $1,877 हो जाएगी और बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा $1,888 हो जाएगी। पर इसके साथ IMF ने ये भी बोला है कि भारत की इकॉनमी 2021 में 8.8% से ग्रो करेगी और GDP पर कैपिटा 8.2% से ग्रो करेगी और वापस से बांग्लादेश से आगे हो जाएगी। IMF ने बताया है कि 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.2% से ग्रो करके $2,030 हो जाएगी और बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा 5.4% से ग्रो करके $1,990 हो जाएगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों दिखने को मिल रहा है। तो इसकी कुछ वजहें हैं और उसमें से सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस, या फिर आप कह सकते हैं चाइनीज वायरस। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। भारत ने 2-3 महीने तक लॉकडाउन किया जिसके चलते सारा काम धंधा बंद था, जिसके चलते भारत की GDP ग्रोथ रेट 23.9% गिर गई। वहीं बांग्लादेश में कोरोना का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, वहां लॉकडाउन भी भारत जितना नहीं हुआ, जिसके चलते बांग्लादेश की ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं गिरी। दूसरी वजह IMF ने बताई है कि 5 साल पहले भारत और बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा में 40% का डिफरेंस था, पर पिछले 5 सालों में बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा 9.1% से ग्रो करी है और भारत के सिर्फ 3.2%। धीरे धीरे इन दोनों के बीच गैप कम होता गया और कोरोना के चलते जैसे ही भारत की ग्रोथ रेट गिरी, दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया। अब ये जानते हैं कि क्या पहली बार बांग्लादेश भारत से GDP पर कैपिटा में आगे हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। 1990-91 में जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब भारत की GDP पर कैपिटा 17.5% कम हुई थी। वैसे ये डाटा भी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का है। तो उस समय भी बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा भारत से आगे हो गई थी और उस समय भी बहुत से अर्थशास्त्रियों का यही मानना था कि भारत बांग्लादेश को पीछे नहीं कर पाएगा। पर नेक्स्ट ईयर भारत ने फिर से ग्रोथ पकड़ी और वो बांग्लादेश से आगे निकल गया। फिर उसके 30 साल तक बांग्लादेश भारत से आगे नहीं निकल पाया। इस बार भी यही देखने को मिलेगा। 2020-21 में भारत की GDP पर कैपिटा 10.5% कम हुई है, पर नेक्स्ट ईयर ये फिर से बाउंस बैक करेगी। अब मेरी इस बात को काउंटर करने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि IMF ने एक चीज और प्रेडिक्ट की है कि 2025 में वापस से बांग्लादेश भारत से GDP पर कैपिटा में आगे हो जाएगा। 2025 में भारत की GDP पर कैपिटा $2,729 होगी और बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा $2,756 होगी। तो देखो, इस चीज पे अभी बहस करना बिल्कुल बेकार है। वो इसलिए क्योंकि IMF ने अभी जो फिगर्स प्रेडिक्ट किए हैं वो अभी की सिचुएशन को देख के प्रेडिक्ट किए हैं। फ्यूचर इस समय बिल्कुल अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। देखो, अगर कोरोना वायरस पे कंट्रोल होता है तो इकोनॉमी जल्द ही रिकवर करेगी और फिगर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं अगर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आती है, फिर से लॉकडाउन होता है, तो इकोनॉमी रिकवरी में और टाइम लगेगा, वहां पे भी आपको फिगर्स चेंज होते हुए दिखेंगे। ये भारत, बांग्लादेश या किसी भी दूसरे देश के साथ हो सकता है। तो आने वाले 5 साल के प्रेडिक्शन पे इस समय सिर्फ बेवकूफी भरोसा करेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बस IMF के पिछले 6 महीने के फिगर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि IMF की प्रेडिक्शन इस समय कितनी सही हो रही है। इस समय 1 साल में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और आने वाले 5 साल में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा इसको प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। वैसे इन फिगर्स को देखने के बाद भारत में कुछ लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ रेट बांग्लादेश से कम हो गई है, जिसके कारण बांग्लादेश भारत से आगे हो गया है।
वगैरह वगैरह। तो देखो, बांग्लादेश पिछले 4 से 5 सालों से ग्रो नहीं कर रहा है, बांग्लादेश ने पिछले 15 सालों से अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन की हुई है, और ये आपको चार्ट 1 में देखने को मिल जाएगा। जहां भारत की ग्रोथ रेट अप डाउन हो रही है, वहीं बांग्लादेश की ग्रोथ रेट अपर टेंजेंट की ओर जा रही है। पर चार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा कि भारत की नॉमिनल जीडीपी बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी से 9 से 10 गुना अभी भी बड़ी है। पर चार्ट 3 में आप देखेंगे कि इन दोनों देशों की जीडीपी पर कैपिटा के बीच ज्यादा डिफरेंस मेंटेन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसका जवाब है पॉपुलेशन, जनसंख्या। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है और भारत की 135 करोड़, अगले साल तक 140 करोड़ हो जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन के थ्रू निकाली जाती है, तो जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पर कैपिटा होगी। आप चाइना का एग्जांपल ले लो, चाइना की नॉमिनल जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसकी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 10,880 डॉलर्स है। वही अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स है, पर उसकी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 65,000 डॉलर्स है। नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ 6 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस है, पर कैपिटा में 5 गुना डिफरेंस है, और इसकी वजह है पॉपुलेशन। और यहाँ मैं नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स की बात कर रहा हूँ। क्या हमें इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये चीज नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स को देख के बताया जाता है। देश की जीडीपी पर कैपिटा हमेशा जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी को देख के बताई जाती है। जीडीपी पीपीपी में लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे फैक्टर को ऐड किया जाता है। इसीलिए अगर किसी भी देश की पर कैपिटा बतानी होती है तो जीडीपी पीपीपी मॉडल को यूज किया जाता है, ना कि नॉमिनल जीडीपी को यूज किया जाता है। भारत की जीडीपी पीपीपी पर कैपिटा 2020 में 6,284 डॉलर्स है, वहीं बांग्लादेश की 5,139 डॉलर्स है। नेक्स्ट ईयर आपको इसमें और गैप बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वापस से भारत की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उससे जीडीपी पीपीपी बढ़ेगी और फिर उससे पर कैपिटा भी इंक्रीज होगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस बात पे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है हमारे देश में। ऑलरेडी हमसे श्रीलंका भूटान आगे है, पहले इस पे कोई बात नहीं हुई थी, इस बार बांग्लादेश आगे हो गया तो पता नहीं क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। यही इस देश की प्रॉब्लम है, जिस चीज पे बात करनी चाहिए उस पे बात नहीं करेंगे। दुनिया जीडीपी पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के पर कैपिटा को महत्व देती है और हम इसका उल्टा करते हैं, हद है। कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत से कुछ इंडिकेटर्स में आगे हो जाएगा, भारत सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो देखो, ये सब बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश भारत से ग्लोबल हंगर रैंकिंग में आगे है, बांग्लादेश की रैंक 75 है और भारत की 94, और कुछ इंडिकेटर्स में बांग्लादेश भारत से सिर्फ थोड़ा पीछे। कोरोना के चलते शायद बांग्लादेश उसमें भी भारत से आगे हो जाए, जैसे कि SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस समय बांग्लादेश की रैंक SDI में 135 है और भारत की 129। फ्यूचर में रैंकिंग में चेंजेस दिखने को मिलेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब इंडिकेटर्स किसके आधार पे निकाले जाते हैं, जरा सोचो। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। ये सब इंडिकेटर्स पॉपुलेशन, जनसंख्या पे बेस्ड होते हैं, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो। अब आप खुद समझो कि एक देश की आबादी 16 करोड़ है और एक देश की आबादी 135 करोड़ है, क्या कंपैरिजन बनता है? अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भारत पहले आजाद हुआ था, भारत के पास ज्यादा रिसोर्सेज है वगैरह वगैरह। तो चलो चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस समय सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, पर SDI में चाइना की रैंक अब भी 85 है। चाइना अपनी जनसंख्या के चलते अब भी बहुत से इंडिकेटर्स में बहुत से देशों से पीछे, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद। तो इससे साफ समझ में आता है कि कम आबादी को संभालना आसान होता है, ज्यादा आबादी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है बांग्लादेश और भारत के पॉवर्टी का डाटा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि परसेंटेज वाइज भारत की पॉवर्टी बांग्लादेश से कम है, पर यही अगर आप इसे नंबर में चेंज करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 2020-21 में पॉवर्टी परसेंटेज 21.8% है, लगभग 3.5 करोड़ लोग बांग्लादेश में पॉवर्टी में। वहीं भारत की आबादी 135 करोड़ है, पॉवर्टी परसेंटेज 11.1% है, लगभग 15 करोड़ लोग पॉवर्टी में। मतलब समझ लो, जितनी बांग्लादेश की आबादी है उतने लोग तो भारत में पॉवर्टी में। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल हंगर और SDI की रैंकिंग में डिफरेंस हो गई। अब यहाँ पे फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भारत पहले आजाद हुआ था वगैरह वगैरह। तो देखो, ये इलॉजिकल बात यहाँ पे मत किया करो, किसी दूसरे चैनल पे करो जहाँ फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत की आंखें बहुत दिनों बाद खुली हैं और उसको अपना कॉम्पिटिटर मिल गया है, और वो है चाइना। अगर हम चाइना से कॉम्पिटिशन करते हैं तो अपने आप ही हम कुछ इंडिकेटर्स में इम्प्रूव होते जाएंगे। पर अगर हम ऐसे ही भटकते रहे, कुछ चीजों में बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ चीजों में श्रीलंका से, तो फिर हम लोग ग्रो कर चुके। चाइना से कंपटीशन रखना इसलिए सही रहेगा क्योंकि उसकी और हमारी पॉपुलेशन लगभग एक बराबर है, तो हमारा टारगेट इस समय सिर्फ चाइना होना चाहिए।
देखो मैं फिर कहता हूँ कि नो डाउट बांग्लादेश ने पिछले 15 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन की है, पर फालतू चीजों में कंपैरिजन करने से अच्छा है कि उसकी पॉलिसीज देखी जाए, जिसे समझ में आएगा कि आखिर क्यों वो देश इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर लॉजिकल बात करने से आपको डिफेंड लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोज को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।